सरकार में आने से पहले सहायक सचिवों से कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि सरकार आते ही सभी सहायक सचिवों का नियमितीकरण कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक सहायक सचिवों का नियमितीकरण नहीं होने से नाराज पंचायत सहायक सचिव विगत 6 दिनों से हड़ताल पर हैं और 7वें दिन भी हड़ताल जारी रही। 16 अक्टूबर से ग्राम पंचायत सहायक सचिव अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर जनपद पंचायत बागली के सामने तंबू लगाकर कलमबंद हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताल पर होने से पंचायत के समस्त कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सहायक सचिवों ने बताया कि 23 अक्टूबर को 23,000 सहायक सचिव भोपाल में गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करेंगे, प्रदेश सरकार को अपना वादा याद दिलाएंगे। इसके पश्चात भी अगर शासन ने हमारी मांगों को नहीं माना तो वहीं से आंदोलन को अनिश्चितकालीन कर दिया जाएगा। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। आपके द्वारा यहाँ पर हड़ताल की जा रही है, तो क्या मांग है? और हमारे द्वारा दिनांक 16 से हड़ताल प्रारंभ की गई थी जो 23 तारीख तक चलेगी, और हमारी मांग यह है कि शासन ने हमसे वचन पत्र में वचन दिया था कि अगर हमारी कांग्रेस की सरकार बनती है तो 3 माह के अंदर सभी को नियमित किया जाएगा, परंतु आज 10 माह होने को है और हमारे संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है और शासन के द्वारा लगातार हमारे द्वारा संपर्क किया जा रहा है, परंतु हमारे ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या अभी सारे पंचायत के काम नहीं किए जा रहे हैं आपके द्वारा भी? जी, अभी जब से हम हड़ताल पे हैं तब से हमारे द्वारा पंचायत के किसी भी कार्य को नहीं किया जा रहा है, जिससे शासन के समस्त कार्य प्रभावित हो रहे हैं। और रोजगार सहायक संघ के द्वारा दिनांक 23 को भोपाल में 23,000 लोगों के द्वारा जंगी प्रदर्शन किया जाएगा और प्रदर्शन गांधी जी की वेशभूषा में शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। क्या यदि मांगे नहीं मानी जाती तो आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति हमारी यह है कि अगर दिनांक 23 को हमारे प्रदर्शन के पश्चात भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमारा आंदोलन अनिश्चितकालीन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।